हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम गाजर की हलवा बनाएंगे। तो अब देखते हैं इसका मेकिंग। तो पहले हम गाजर को अच्छी तरह से धो लेंगे। ये हमारा छोटा सा ट्रांजेक्शन है, आप देखिए। और गाजर को अच्छे से छील लेंगे और उसे एक थाली में थोड़ा कद्दूकस कर लेंगे। अब कद्दूकस जब हो जाएगी तो आप देखो बहुत ही अच्छी दिख रही है कद्दूकस। अभी हम कढ़ाई में दूध लेंगे। तो हमने दूध कढ़ाई में ढाल ले लिया। अब उसे दूध को उबाल आने देंगे। जब दूध हमारी उबाल आ जाएगी तो उसमें हम मिल्क पाउडर भी ले लिया। जो बाजार में मिल्क पाउडर मिलता है ना, वो वाला मिल्क पैकेट काट कर डाल दिए। अभी आप देख सकते हो इसे थोड़ा सा गाजर में स्वाद आ जाएगी। तो हमारी दूध उबाल आ गई है। अब हम गाजर को दे रहे हैं कढ़ाई में। तो हमने सभी गाजर का कद्दूकस कर लिया था, सब दे दिया कढ़ाई में। अभी इसको थोड़ा सा मिला लेंगे। मिला लेने के बाद अब देखिए, आप ऐसे ही थोड़ा सावधानी से अच्छे से मिला लीजिए। तो अभी फ्रेंड बारिश का टाइम है। बारिश के टाइम में गाजर का हलवा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी घर पे ट्राई कीजिए। और तो फ्रेंड हमारी गाजर की हलवा अच्छे से मिक्स हो गए। इसे अभी थोड़ा सा उबाल कर अब फ्रेंड देख सकते हो बहुत ही अच्छे से उबाल आ गई है। मतलब अभी चीनी डाल सकते हैं। तो हमने एक कटोरी चीनी डाल दी। आपको जितना मीठा ज़रूरत है आपको उतना ही मीठा डाल सकते हैं। हमारे लिए इतना ही है तो सफिशेंट हो जाएगी। तो इसलिए हम एक ही कटोरी डाले हैं। तो अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो फ्रेंड आप देखिए बहुत जल्दी बन जाती है गाजर की हलवा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो अभी थोड़ा सा इलायच पाउडर दे देंगे। इलायच पाउडर देने से इसका स्मेल बहुत ही अच्छा आता है। देखिए हमारी गाजर की हलवा देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो फाइनली हमारी गाजर की हलवा। तो फ्रेंड अब इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा काजू डाल दिया हूँ। तो हमने काजू को महीन महीन कर लिया। तो अभी गाजर में काजू मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा गाजर का हलवा तैयार है। तो अब हम इसे ट्राई करने वाले हैं। तो प्रिया मेरे लिए गाजर की हलवा लेके आई हैं। तो हम इसे अभी ट्राई करने वाले हैं। तो देखिए हमारी गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी लग रही है। आप भी घर पर बनाकर ट्राई कीजिए। तो फाइनली मैं अभी ट्राई करने वाला हूँ। तो आप देखिए मैं अभी खाने के बाद बहुत ही टेस्टी बनी है। मैं उस टाइम खा रहा था इसलिए कुछ नहीं कहा। बाद में मैं वॉइस दे रहा हूँ। तो बहुत ही टेस्टी बनी और प्रिया भी साइड पे थी। तो मैंने भी प्रिया को बोला आप भी खाकर देखिए कैसी बनी। तो प्रिया ने बनाया तो अच्छी ही बनेगी। तो मैंने भी उसे दी और उसने भी मुझे कहा नहीं बहुत ही टेस्टी बनी है। तो वो भी कह रही थी आगे भी और एक वीडियो आएगा गाजर की हलवा और एक तरीके से बनाएंगे। तो आप भी घर पर ट्राई कीजिए। बाय फ्रेंड।